टुडे वी विल कंटिन्यू आर एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? व्हाट शुड बी एडेड टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर टू ऑब्टेन 2x² प्लस 3xy। क्या कह रहा है कि हमें इसके अंदर क्या ऐड करना चाहिए? किसके अंदर? देखिए, x² प्लस xy प्लस y² जो भी हमें एक्सप्रेशन दिया हो उसे आप ब्रैकेट में कर लीजिए। इसके अंदर मुझे क्या ऐड करना चाहिए? सपोज़ करो मैं इसके अंदर कोई भी वेरिएबल ऐड कर देती हूँ, सपोज़ कि मैंने a ऐड कर दिया। टू ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन होना चाहिए हमें? 2x² प्लस 3xy² मीन्स वी हैव टू फाइंड दिस अननोन वैल्यू। हमें क्या फाइंड आउट करना है? a फाइंड आउट करना है। तो हम a कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, इसके आगे भी हम ब्रैकेट लगा लेंगे। अब a कैसे फाइंड आउट होगा हमारा? 2x² प्लस 3xy² माइनस, ये उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? x² प्लस xy प्लस y² क्लियर? अब कल मैंने आपको पहले वाली वीडियो में ये बताया था कि आपको सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है। देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2x² प्लस 3xy, जो y² यहाँ आ गया, इसमें से मुझे क्या माइनस करना है? x² x² के नीचे x² लिखा, xy कहीं नहीं है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये क्या था मेरा, 2x² प्लस 3xy था, सॉरी यहाँ क्या था, 3xy, ठीक है। तो आप देखेंगे कि प्लस xy के नीचे ये आ गया और y स्क्वायर वाली हमारी कोई टर्म नहीं थी, तो हमने उसको सेपरेट लिख दिया। हमें सब्ट्रैक्शन करना है, ये प्लस का साइन था, साइन क्या हो गए, चेंज हो गए, ऑपोजिट। अब क्या करेंगे, 2x² माइनस x² कितना आ गया, x² प्लस 3xy माइनस xy क्या आ गया, 2xy माइनस y² तो ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया कि इसके अंदर मैं ये ऐड करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। क्लियर? इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, किस में से मैंने सब्ट्रैक्ट करना है। सपोज करो देखिए, 2a प्लस 8b प्लस 10, इसमें से भी मैंने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, मान लो एक अननोन a क्या है, सब्ट्रैक्ट कर दिया टू गेट, मुझे क्या मिलेगा, माइनस 3a प्लस 7b प्लस 16। ध्यान रखना है ब्रैकेट ज़रूर लगाएं हम, उससे आपके जो गलती के चांसेस हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अब हमें क्या निकालना है, a निकालना है। a इधर क्या है, माइनस का है, इट मीन्स ये उधर जाएगा तभी पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी इसकी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इधर और इसको इधर लेके जाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, देखिए 2a प्लस 8b प्लस 10 माइनस, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा क्या, 3a प्लस 7b प्लस 16 विच इज़ इक्वल्स टू a। क्लियर? अब हमें इसमें से क्या माइनस करना है, ये वाली टर्म माइनस करनी है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए 2a प्लस 8b प्लस 10 लिख लिया एज इट इज़। इसमें से माइनस क्या करना है, माइनस 3a प्लस 7b प्लस 16। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए 2a प्लस 3a क्या हो गया, 5a, 8b माइनस 7b क्या हो गया, प्लस b, एंड 10 माइनस 16 इज माइनस 6। तो ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी टेकन अवे, मीन्स यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, व्हाट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम दिस, मीन्स किस में से लेके जाना है हमें, 3x² माइनस 4y² प्लस 5xy प्लस 20। इसमें से मेरे को क्या लेके जाना है, सपोज करो मैंने वही कह दिया, पहले ब्रैकेट लगाई, मैंने कह दिया कि मैं इसमें से क्या लेके जा रही हूँ, वहाँ से a लेके जा रही हूँ, टू ऑब्टेन, मुझे क्या मिलेगा, माइनस x² माइनस y² प्लस 6xy प्लस 20। क्लियर? नाउ अब आपको क्या करना है, देखिए वही सेम क्वेश्चन बन गया जो हमारा ये वाला बना था, कि ये माइनस है, यहाँ क्या लगा दी मैंने, ब्रैकेट लगा दी। तो मुझे क्या करना है, इसमें से ये वाली चीज़ क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। देखिए 3x² माइनस 4y² प्लस 5xy प्लस 20, इसमें से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, माइनस x² माइनस y² प्लस 6xy प्लस 20 विच इज़ इक्वल्स टू a।
यहाँ से मेरे को मिल जाएगी मेरे अननोन की वैल्यू। तो पहले क्या लिखना है, देखिए 3x² - 4y² + 5xy + 20। इसमें से माइनस क्या करना है मुझे, -x² - y² + 6xy + 20। अब आपको सब्ट्रैक्शन करनी है तो आपको साइन क्या करना पड़ेगा, चेंज, यानी कि प्लस प्लस माइनस माइनस, क्लियर। अब 3x² - x² क्या आ गया, 2x² - 4y² + y² क्या आ गया, -3y² देन +5xy - 6xy क्या आ गया, -xy एंड +20 एंड -20 विल बी कैंसल आउट, तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो मेरा सिंपल आंसर क्या बचेगा, सिंपली ये वाला बचेगा, क्लियर। नाउ वी विल कम टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6। सभी क्वेश्चन नंबर 6 में देखें क्या 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 कह रहा है ये, फ्रॉम द सम ऑफ, मींस क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द सम ऑफ, सम किसका लेना है मुझे, देखिए फ्रॉम द सम ऑफ, सम किसका लेना है, 3x - y + 11, इसका 11 देन प्लस सम करना है -y - 11। कह रहे फ्रॉम द सम ऑफ दिस, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सम लेना है, सम लेंगे तो हम क्या आएगा, देखिए 3x - y + 11, ओपन करेंगे ब्रैकेट -y - 11, सिंपली लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लीजिए, देखिए ये क्या आ गया 3x, अब -y - y कितना आ गया -2y एंड +y एंड -11 +11 and -11 विल बी कैंसल्ड आउट। तो मेरा जो सम निकालना था दोनों का वो क्या आ गया 3x - 2y। तो आप देखेंगे कि फ्रॉम द सम, फ्रॉम वाली टर्म पहले आती है मेरी, तो फ्रॉम द सम यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, क्या करना है इसमें से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, देखिए क्वेश्चन गिवन है 3x - y - 11। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 3x - 2y, ये आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 3x - y - 11। जब आपको सब्ट्रैक्शन करनी है तो साइन क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, जब आपने चेंज किया तो 3x से 3x तो कैंसिल हो गया, -2y + y क्या आ गया -y, और 11 के साथ कौन सा साइन आ गया मेरा, प्लस का 11 आ गया, क्लियर है। नाउ कम टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका जो लास्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है आपको कि क्वेश्चन बी पार्ट देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, सम करना है, सम किसका करना है हमें, 4 + 3x यू हैव टू ऐड 5 - 4x + 2x² आपको क्या करनी है, इसकी एडिशन करनी है, एडिशन कैसे करेंगे आप देखिए 4 + 3x + 5 - 4x + 2x², क्लियर। अब आप देखेंगे कि लाइक टर्म्स को आपको एक साथ करना है, सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म है, नहीं है, हमने क्या किया यहाँ पे 2x², इसके बाद आप देखेंगे 3x - 4x, जब आप 3x - 4x करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -x मिलेगा, इसके बाद आप देख रहे हैं 4 + 5 क्या आ गया, ये 9 आ गया, ठीक है, आपने एक सम तो कर दिया ये वाला, उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, नेक्स्ट सम करना है हमें, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, नेक्स्ट किसका सम करना है हमें, 3x² - 5x + -x² + 2x + 5। अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको इनका सम, आपने इन दोनों का सम किया, जो रिजल्ट आपको मिला फिर आपने इन दोनों का सम करना है और इसके सम में से इसके सम को क्या करना है, माइनस करना है, क्लियर। आप देखेंगे इसका सम अगर आप कर रहे हैं, देखिए 3x² - 5x - x² + 2x + 5। अब देख रहे हैं 3x² - x² क्या आ गया, 2x² - 5x + 2x क्या आ गया, माइनस
3x और 5 क्या लिख लिया मैंने, एज इट इज लिख लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या करना था, इन दोनों के सम में से जो भी रिजल्ट मिला, इन दोनों के सम में से जो रिजल्ट मिला उसको क्या करना है, माइनस करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 9 में से मुझे क्या माइनस करना है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब आपको सब्ट्रैक्शन करनी है, तो ये प्लस का साइन है, जब जिसके साथ कोई साइन नहीं होता क्या होता है, प्लस। तो यहाँ क्या आ गया माइनस, यहाँ क्या आ गया प्लस, और यहाँ क्या आ गया माइनस। तो आप देखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट एंड माइनस x प्लस 3x कितना हो गया 2x एंड 9 माइनस 4 इज 9 माइनस 5 इज 4। तो आपने बेसिकली करना क्या था, सम करना था पहले लाइक टर्म्स को कंबाइन करके, जैसे सिंपली हम सिंप्लीफाई करते हैं, जो रिजल्ट मुझे मिलेगा उसमें से मुझे क्या करना है, ये वाले दोनों जो हम मुझे एक्सप्रेशंस दे रखे हैं इसको सिंप्लीफाई करना है, उसमें से मुझे जो एक्सप्रेशन मिलेगा इस वाले एक्सप्रेशन में से मुझे इस वाले एक्सप्रेशन को क्या करना है, माइनस करना है।